नियुक्ति को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत पंचायत सचिव सफल अभ्यर्थियों के लिए सौगात मिलने वाली है। उनके नियुक्ति के द्वार खुलेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशानुसार पंचायत सचिव एवं निम्नवर्गीय लिपिक की अंतिम मेधा सूची JSSC के द्वारा कॉमन मेरिट लिस्ट के जरिए जारी करनी है। न्यायालय का जजमेंट आने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास के पास पहुंचे सभी पंचायत सचिव सफल अभ्यर्थी उन्हें अवगत कराया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, जल्द ही अब निर्णय लिया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में सिर्फ चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आने से पहले कई तरह की कागजी कार्रवाई होती है जो नहीं हो पाई है। झारखंड के सभी मंत्री भी नियुक्ति के लिए सिफारिश किए हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी संवेदनशील है। देखिए, पंचायत सचिव का आज से नहीं, बरसों से, कुछ दिनों से ये लोग घूम रहे हैं। पहले तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला चलते रहा, फिर वहाँ से इन लोगों को रिलीफ मिला है। अब ये जो है राज्य सरकार के पास आया हुआ है। विभागीय मंत्री की हैसियत से हमने हमेशा इन लोगों को आश्वस्त किए हैं कि आप लोग का जल्दी इसका निराकरण करेंगे। लास्ट कैबिनेट में हम नहीं और भी मंत्री थे, और हम पर्सनली पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए थे। उन्होंने भी कहा कि निश्चित तौर पर इसको हम लोग दिखाकर इसको बहुत जल्द कराएंगे, और हम आशावादी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच और विचार है उसी का अनुरूप है, इसलिए हमको लगता है कि बहुत जल्द इसका निर्णय लिया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कुछ होना है? देखिए, आज का कैबिनेट में कहना बड़ी मुश्किल है। प्रस्ताव का अभी तक हम देखे कुछ उसमें नहीं है, लेकिन वो तो देखिए, पहले तो ट्रेंथ में जाता है, विधि में जाता है, फिर कैबिनेट में आता है। अभी 4 बजे का पहले जाकर उसको हम देखने का काम करेंगे, और हमेशा इन लोगों का साथ हम रहे हैं। झारखंड के तमाम मंत्री भी इन लोगों का सिफारिश कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव है, इसलिए मुझे विश्वास है, आशावादी हम हैं, बहुत जल्द इसका निर्णय होगा। दुर्गा पूजा से पहले तोहफा मिलेगा। देखिए, ये टाइम फैक्टर आज का निकालना बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम लगे हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री का जो हमें हमसे बातचीत हुई उससे लग रहा है कि बहुत जल्द इसका निर्णय हो जाएगा। आज नहीं हो तो आगे होगा? देखिए, आज क्या होगा, तो कैबिनेट में जाएंगे तभी बताएंगे, कैबिनेट के बाद पूछिएगा तो हम बता देंगे आपको। उम्मीद काफी बढ़ गए हाल के दिनों में जो? हाँ, निश्चित तौर पर हम लोग जो है नौजवान है, रोजगार से जुड़ने के लिए बात करते हैं, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग। बिल्कुल निश्चित तौर पे यही बात कहेंगे सर, कि सर ने जिस तरह से कहा है कि बातों को, चूंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री से मिले तो वही बोले थे कि काम आप लोग का चल रहा है, और आज सर ने भी यही बात कही कि काम चल रही है और गति से काम चल रहा है, आप लोग को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाएगा, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं देना चाह रहे हैं लोग। तो मुख्यमंत्री के बाद अब ग्रामीण विकास मंत्री से भी मुलाकात हो गई है, कितना आश्वस्त है? जी बिल्कुल, सर ने तो कहा है कि हम आज फिर कैबिनेट में इस बात को उठाएंगे, बात को रखेंगे, ताकि सारे मंत्री लोग का इसमें अपना अपना राय आएगा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से ही अंतिम अप्रूवल लेना है। तो बिल्कुल ये बात को फिर से उनके सामने रखेंगे, ताकि वो अपना अंतिम निर्णय, अपना अंतिम अप्रूवल जो है इस पे दे, ताकि जल्द से जल्द हम भी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति करा सकते हैं। उम्मीदें हैं कि दुर्गा पूजा से पहले आप लोगों पे निर्णय हो पाएगा? सर, उम्मीद तो यही करके रखे हुए हैं सर, झारखंड के तमाम पंचायत सचिव युवा सर यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार दुर्गा पूजा में हमें नियुक्ति और रोजगार का स्वागत मिलेगा गठबंधन सरकार की ओर से, इसलिए सर हम लोग बहुत ज्यादा आशावादी हैं सरकार की ओर, और काफी लंबे समय से सर इसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, और आज सर सर से मिलने के बाद तो यह लगा कि सर हमारी बातों को निश्चित तौर पर हर जगह उठाए हैं और आज भी उठाएंगे हमारी बातों को। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।